रेसी को तब छापना। क्लास क्या देंगे? 75। चलो आज के लाल पियर ब्लू कर देते हैं। बोलने से लाल पियर ब्लू ना किए थे। ईट पढ़ा रहे थे ना, क्या पढ़ा रहे हैं? कल चालू किया है, ठीक है। कल आया होगा तो समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो ईट को थोड़ा समझ में नहीं आएगा। रफ कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं, देखो यहीं पे करते हैं। जैसे बोलते हैं अच्छा, क्या बोलते हैं? अच्छा। अच्छा का इंग्लिश क्या होता है? गुड। इसमें क्या होगा, जब है आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हाँ, तो है आ जाएगा तो हिंदी में क्या हो जाएगा? तो हिंदी में हो जाएगा अच्छा है, यही ना हो जाएगा? हाँ। अच्छा है। तो इस है का इज होता है, इज तो अकेला आएगा नहीं, आएगा तो कोई ना कोई क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट मन से लाना पड़ता है, उसी सब्जेक्ट को बोलते हैं इट। क्या बोलते हैं? इट। तो आज से बोलना इट इज गुड, क्या बोलना? इट इज गुड। या दूसरे भाषा में जो जैसे बोले कि राम अच्छा है, क्या बोले? राम अच्छा है। तो राम इज गुड, लेकिन राम तो है भी नहीं ना है। यहाँ सीधे हम बोल दे कि अच्छा है, कौन अच्छा है? बोले नहीं ना, कैसे नहीं? कोई नहीं, किसी के बारे में तो बोले है। ऐसा ना, जैसे बोले मोनू अच्छा है तो क्या बनेगा? मोनू इज गुड, ठीक है। लेकिन हम मोनू का नाम नहीं लिए, मोनू सब्जेक्ट था, मोनू का नाम नहीं लिए, सीधे बोल दिया अच्छा है। सब्जेक्ट तो बोलवे नहीं किए सर, तो हम तो इज गुड तो बोल नहीं सकते हैं। इज अकेला आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, आएगा तो शुरू में सब्जेक्ट लेकर के आएगा। पहले सब्जेक्ट चाहिए था ना वर्ब, कि पहले वर्ब लिख देंगे, तो चाहिए पहले सब्जेक्ट। तो मन से सब्जेक्ट लेते हैं, एगो इट है एगो देयर है। देयर के बारे में तो समझे है, अब सर किसके बारे में समझेंगे? इट के बारे में, क्लियर है ना? जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने समझ में आने लग जाएगा। तो बोलेंगे अच्छा है तो बोलना इट इज गुड, बोलना क्या बोलना? ऐसे में इट के साथ इज लगता है रहेगा तो इट इज बोलना, था रहेगा तो इट वाज बोलना, है रहेगा तो क्या बोलेंगे? हाँ, है रहेगा तो बोलना तुम आज से इट इज, क्या बोलेगा? अच्छा, था रहेगा तो इट वाज बोलना। अच्छा, गागेगी रहेगा तो इट विल बी, हाँ विल आएगा ना, हाँ विल आएगा। अगर सब भर्ब नहीं रहे तो बी लगा के बोलेंगे, अब भर्ब पहले से रहे तो बी नहीं लगाएंगे। मालूम भर्ब पहले से तो बी लगाएगा नहीं, सिर्फ विल यूज करेंगे, उसका भर्ब का पहला रूप। मान लो कि भर्ब नहीं है तो बी लेके लेके चलना पड़ता, यही ना होता है, ठीक है। जैसे बोलेंगे अच्छा रहेगा, जैसे देखो बोलेंगे अच्छा है तो बोलना इट इज गुड, क्या बोलेगा? एग्जाम्पल तीन रुपए एक देते हैं, बोलेंगे अच्छा है तो बोला इट इज गुड, क्या बोलेगा? अच्छा था तो बोला इट वाज गुड, अब बोलेंगे अच्छा रहेगा तो इट विल बी गुड। अच्छा ना, गुड भर्ब नहीं है, गुड एडजेक्टिव है, क्या चीज है? अच्छा नहीं हो पता तो जान दो, कुछ है हमको मतलब नहीं है, इट विल बी गुड बोलना है, क्या बोलना है? अब एडजेक्टिव है कि नाउन, उसे क्या फर्क पड़ता है हमको, समझ में आ गया ना? उछाटेंगे अपना ग्रामर पढ़ेंगे तब, एडजेक्टिव है कि नाउन है कि प्रनाउन है कि वर्ब है, ठीक है ना? सीधे बोलेगा इट विल बी गुड। जैसे बोलेंगे हम बोलेंगे क्या, मार्कर खरीद, मार्क जैसे बोले कि अच्छा है, मार्कर खरीद के लाया अभी लाल कलर का, हम बोले कि अच्छा है तो क्या बोलेगा? इट इज गुड। अब मान लो कल खरीद के लाया तो ब्लू कलर का, हम बोले अच्छा था तो क्या बोलेंगे? इट वाज गुड। अब बोलेंगे कि फ्यूचर में खरीदने का बात कर रहे हैं कि लाल कलर का मार्कर लिखेंगे, लाल का मार्कर खरीद लिया है, तुम क्या बोलेगा? अच्छा रहेगा सर, बोलता है ना अच्छा रहेगा, तो वही बोलेंगे इट विल बी गुड। आज समय ना, ठीक है, आ जाओ। तो बोलेंगे अच्छा है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक बार बोलो, क्या बोलेंगे? अच्छा, बोले खराब है, खराब है तो ऐसे बोल सकते हैं इट इज नॉट गुड, उसका मतलब वही हो गया कि खराब नहीं। बोलेंगे अच्छा नहीं है तो इट इज नॉट गुड, इसका मतलब कि खराब है। और कोई चीज अच्छा नहीं है तो क्या होगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा ना वहां पे। तो दो तरीके से बोल सकते कि नहीं? अगर हम कोई चीज को बोलते हैं खराब है तो एक तरीका बोल देंगे इट इज बैड, एक तरीका है इट इज नॉट गुड, मतलब तो वही लेके चला, क्या बात समझ में आ गया ना? ठीक है, तो बोलेंगे अच्छा है तो क्या बोलेंगे? इट इज गुड। और जब ये नहीं वाला बात बनाएगा तो नॉट लगा देना, क्या लगा देगा? हाँ, नहीं रहेगा तो क्या आएगा? नॉट। तो बोलेंगे अच्छा नहीं है तो क्या बोलेंगे? हाँ हेलो, हेलो, हाँ परे भाई, हम परे भाई हम नहीं रहे, कहीं काम हमारा, ठीक है 11:30 बजे। ठीक है, तो बोले थे अच्छा है तो क्या बोलेंगे?
इट इज गुड। अब बोलेंगे अच्छा नहीं तो क्या बोलेंगे? सर नॉट का यूज करना है। किसका करना है? है के लिए इट इज का यूज करना है और नहीं के लिए किसको लगा देना? तो बोलेंगे अच्छा नहीं तो इट इज नॉट, या बोल सकते हैं शॉर्टकट में इट्स नॉट। इट इज को जोड़ देते तो क्या बनता? याद है कि भूल गया सर? इट इज को जोड़ दीजिएगा तो कथी बन जाएगा? इट्स बन जाएगा। और नहीं लगाना तो बाद नॉट लगाइए, वही ना होगा। तो बोलेंगे अच्छा नहीं है तो क्या बोलेंगे? इट्स नॉट गुड। बोलेंगे बुरा है तो क्या बोलेंगे? इट्स बैड। अब बोलेंगे बुरा नहीं है, इट्स नॉट बैड। अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, बोलेंगे बुरा नहीं है तो क्या बनेगा? इट्स नॉट बैड। हाँ, आसान को क्या बोलते हैं? इजी। आसान क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे आसान है, इट्स इजी। बोलेंगे बहुत आसान है तो बहुत के लिए वेरी का यूज करो, बहुत के लिए या तो वेरी या तो सो। तो बोलेंगे बहुत आसान है तो बोले इट्स वेरी इजी। क्या बोलेंगे? इसी मत देखो, हम सेंटेंस में खुद रह कहीं ना कहीं लिख भी दिए होंगे हम। तो बोलेंगे आसान नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉट लगाएंगे। आसान है तो क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे आसान नहीं है तो क्या बोलेंगे? इट्स नॉट इजी। कोई काम दिखा के बोल रहे तो बोलेंगे सर आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी। क्या बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे उतना आसान नहीं है। उतना के लिए सो का यूज करते हैं, उतना या इतना बोले ना, क्या बोले? उतना बोलो या इतना। तो सो का यूज करना किसका करेगा? बोलेंगे उतना आसान नहीं है, इट्स नॉट सो इजी। क्या बोलेंगे? बोलेंगे उतना बुरा भी नहीं है, इट्स नॉट सो बैड। इतने के लिए किसका यूज करेंगे? सो का यूज करेंगे। सो का मतलब इसलिए भी होता है, हाँ, सेंस हम निकलते रहता है। देखा मत, खतरनाक को बोलते हैं डेंजरस। क्या बोलेंगे? खतरा को बोलते हैं डेंजर। डेंजर मीन्स क्या होता है? खतरा। डेंजर का मतलब खतरा, डेंजरस का मतलब खतरनाक। तो बोलेंगे खतरनाक है, तो देखो है आया कि नहीं आया? कहां बोले खतरनाक है आया ना। जब ही है आएगा तो क्या आएगा तुमको? इट इज आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलेंगे खतरनाक है तो क्या बोलेंगे? इट्स डेंजरस। क्या बोलेंगे? इट्स डेंजरस। अब बोलेंगे खतरनाक नहीं है तो क्या बोलेंगे? सर कुछ नहीं, सर नॉट लगा दीजिए। किसके बाद? इज के बाद है ना, हेल्पिंग वर्ब। नॉट निगेटिव कब बनता है? सर इज अमार के बाद नॉट लगा दीजिए। वाज वेयर के बाद क्या कर दीजिए? नॉट लगा दीजिए। सेल विल के बाद क्या कर दीजिए? नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा। तो बोलेंगे खतरनाक नहीं है तो क्या बोलेंगे? इट्स नॉट डेंजरस। क्या बोलेंगे? आवश्यक बोलते ही आती, आवश्यक बोलते अर्जेंट। क्या बोलेंगे? तुम कौन की कॉल किया? सर मिलना है आपसे, इट्स अर्जेंट। मतलब आवश्यक है, अति आवश्यक है। क्या बोलेंगे? अति आवश्यक है। तो बोले इट्स अर्जेंट। क्या बोलेंगे? हाँ, अब आगे अगर वर्ब रहेगा क्या रहेगा? तो पहले बोल देखिए, आगे जो वर्ब जुड़ता है वो टू लगा के जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? हाँ, टू प्लस वी वन जुड़ता है ना, जुड़ता है। वर्ब जुटेगा तो कैसे जुटेगा? वर्ब की जगह वी वन जगह कुछ बोलो, प्ले, राइट, गो, कम, पहला रूप ही बोलते हैं, और टू से जुड़ता है। जैसे बोलेंगे कि क्या बोलते हैं, हाँ, मिलना अति आवश्यक है, तो इट्स अर्जेंट मिलना। टू प्ले, सॉरी, टू मीट। मिलना का होता है मीट, एम डबल ई टी, मीट। मीट का मतलब मिलना। अब मिलना की जगह तुम जो करो, अगर बोल दिए खेलना अति आवश्यक है, इट्स अर्जेंट टू प्ले। लिखना अति आवश्यक है, इट्स अर्जेंट टू राइट। बोलना अति आवश्यक है, इट्स अर्जेंट टू स्पीक। जाना अति आवश्यक है, मान लो 9:30 बज रहा है, घर पे कोई काम है, 9:30 बजे का जाना है, बस है, तो क्या बोलेगा? सर इट्स अर्जेंट टू गो, जाना आवश्यक है, बोलेंगे ना। तो वर्ब को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो किसके साथ जोड़ेंगे? टू लगा हुआ वर्ब का पहला रूप बोलेंगे। प्ले बोलेंगे, प्लेइंग नहीं बोलेंगे, प्लेज नहीं बोलेंगे। पांच ग्रुप है ना, क्या ग्रुप है? कैमा बोलना है, पाला ही बोलना है। तो बोलेंगे मिलना अति आवश्यक है तो क्या बोलेंगे? इट्स अर्जेंट टू मीट। जाना अति आवश्यक है, आना अति आवश्यक है, अंग्रेजी बोलना अति आवश्यक है, इट्स अर्जेंट टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, लिखना अति आवश्यक है। अभी को हम जब बात कर रहे होंगे तो हम कहेंगे जा रहे हैं, हमको जाना अति आवश्यक है, बच्चा तो बैठा होगा पढ़ाना है, इट्स अर्जेंट टू गो। पढ़ाना अति आवश्यक है, इट्स अर्जेंट टू टीच। समझ में आ गया ना? तो बोलेंगे अति आवश्यक है तो क्या बोलेंगे? इट्स अर्जेंट। अच्छा, बोलेंगे अच्छा है तो क्या बोलेंगे? इट्स गुड या इट इज गुड। मेरे लिए, फॉर मी, जिसके लिए भी रहेगा। के लिए का दो इंग्लिश, के लिए का क्या गो इंग्लिश? के लिए का दो गो इंग्लिश। कौन कौन? एगो टू, एगो फोर। टू का यूज कब करते हैं? वर्ब के लिए। फोर का यूज करते हैं? वर्ब को छोड़ करके, बाकी सब। अब भर्व को, अगर भर्व को पहचान गया तो बाकी सब तो आ ही जाएगा। भर्व को अगर तुम पहचानता है तो बाकी सब किस में आएगा? तो राम भर्व नहीं ना है, सोनू भर्व नहीं ना है, चोपा भर्व नहीं ना है, चोपी भर्व नहीं ना है, कोटला फूपा भर्व है क्या? नहीं है। तो सब किस में आएगा? तो बता, बोलेंगे मेरे लिए तो बोला फॉर मी, तुम्हारे लिए, हाँ, चोपा के लिए,
चोपी के लिए, कोटला फूफा के लिए, कोटला फूफा, आसान ना? तो बोलेंगे आसान है तो क्या बोलेंगे? इट्स इजी. बोलेंगे आसान है तो क्या बोलेंगे? इट्स इजी. मेरे लिए आसान है, इट्स इजी फॉर मी. क्या बोलेंगे? बोलेंगे मेरे लिए आसान है तो क्या बोलेंगे? इट्स इजी फॉर मी. तुम्हारे लिए आसान है, इट्स इजी फॉर यू. बोलेंगे सबके लिए आसान है, इट्स इजी फॉर एवरीवन. सबका क्या होता है? सबका दो को इंग्लिश ना, सबका क्या को इंग्लिश? यहां छापे नीचे दिखेगा, दिख जाएगा. दिखता है क्या? एक होता है एवरीवन, वो क्या होता है? एवरीबॉडी. लिखा चुके हैं? हाँ, सब दे चुके होंगे. अब पिटारा में से बस नहीं, देखो हम सब कुछ दे रहे हैं ना, बस वहां पिटारा में से निकालना है. पीछे जितना भी कुछ दिए होंगे वो पिटारा है, वो कथी है, बस पिटारा में से निकालो यूज करो. इसलिए बोलते हैं उसको रिवीजन करते रहो, तो ना पिटारा निकाल पाएगा, तो कॉपी में रहेगा. अब तुमको यादें नहीं है तो दिक्कत होगा ना. अगर रिवीजन किया जाता कल परसों जाकर निकाले तो तुमको तुरंत निकल जाता. तो एक बार पूरा कॉपी मारना है, कहां से कहां तक? 75 तक. या ग्रुप में डिस्कशन मारो क्लास में, तो एक बार तो हो जाएगा ना, 75 तो पहुंच जाएगा ना, तो पूरा रिकॉल हो जाएगा, पूरा जुबान पे आ जाएगा. दो बार तीन बार में हो जाता है ना. चलो बाकी हम हेल्प कर दी रहे, जहां दिक्कत पड़ेगा हम तो देंगे ना. हम तो पिटारा निकाल कर रख ले है ना, जहां फंसेगा हम दे देंगे. हो गया आज, हम दे दिए, या तो आ गया ना. हाँ कॉपी में भी है, हम भी दे देंगे. ठीक है, तब बोले क्या बोले थे कि आसान है तो क्या बोलेंगे? इट्स इजी. मेरे लिए आसान है, इट्स इजी फॉर मी. आपके लिए आसान है, सबके लिए आसान है, इट्स इजी फॉर एवरीवन. या क्या बोलेंगे? फॉर एवरीबॉडी. हो गया ना. मेरे भाई के लिए आसान है, इट्स इजी फॉर माय ब्रदर. बोलेंगे अंग्रेजी, सॉरी अंग्रेजी बोलना आसान है तो पहले बनाओ आसान है, इट्स इजी. अंग्रेजी बोलना तो स्पीक इंग्लिश, बस बात को जोड़ना है वर्ब को. अंग्रेजी बोलना तो टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना का इंग्लिश अगर तुमको बोलना हो तो स्पीक इंग्लिश ना बोल के टू स्पीक इंग्लिश बोलना. कहा कि जब देखो सीधे बोलेंगे तो स्पीक इंग्लिश, लेकिन जब ये अगर स्पीक इंग्लिश कहीं जुड़ेगा तो स्पीक वर्ब ना है, तो किसके साथ जुड़ेगा? तो टू लगा के ही बोल सकते हैं. देखना बुक सब में लिखा रहता है टू स्पीक. बोलना का इंग्लिश लिखा रहेगा टू स्पीक, लिखना का इंग्लिश लिखा रहेगा टू राइट. देखना बुक सब में जाना का इंग्लिश लिखा रहेगा टू गो. तो क्यों लिखा रहा था समझ आ गया? वो कहना चाहता है, बुक तो बोल नहीं पाएगा बेचारा, नहीं बोल पाएगा, तो बोलना चाहता है कि टू के साथ जोड़िएगा, लेकिन बोल नहीं पाता है. कोशिश तो खूब करता है, बच्चा समझ नहीं पाता है. तुम लोग समझ नहीं आता जो टू गो का लिखा, जाना का था वो होता है, टू गो लिखा है और कुछ और होता होगा, होता है ना. लेकिन नहीं, बताना चाह रहा है कि टू के साथ जोड़िएगा, कहीं घुस जाइएगा तो किसके साथ घुस जाएंगे? टू के साथ. तो बोलेंगे कि मेरे लिए अंग्रेजी बोलना आसान है, इट्स इजी फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश. मेरे लिए हिंदी बोलना आसान है, इट्स इजी फॉर मी टू स्पीकिंग हिंदी. मेरे लिए क्रिकेट खेलना आसान है, इट्स इजी फॉर मी टू प्ले क्रिकेट. मेरे लिए लिखना आसान है, इट्स इजी फॉर मी टू राइट. मेरे लिए बोर्ड पर लिखना आसान है, इट्स इजी फॉर मी टू राइट. टू राइट ऑन द बोर्ड नहीं हो जाएगा. तुम लोग क्या बोलेगा? सर हम लोग के लिए बोर्ड पर लिखना आसान नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, कॉपी प्रैक्टिस है. तो बोलेंगे इट्स नॉट इजी फॉर मी टू राइट ऑन द बोर्ड. होगा ना, मेरे लिए बोर्ड पर लिखना आसान नहीं. तो बोलो मेरे लिए बोर्ड पर लिखना आसान है तो क्या बनेगा? इट्स इजी फॉर मी टू राइट ऑन द बोर्ड. अब बोलो मेरे लिए बोर्ड पर लिखना आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी फॉर मी टू राइट ऑन द बोर्ड. ना हो जाएगा? ठीक है. तो बोलो अच्छा है तो क्या बोलेंगे? अच्छा नहीं है तो क्या बोलेंगे? हाँ देख के बोलना है. आसान है तो क्या बोलेंगे? आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, खतरनाक है, हाँ खतरनाक नहीं है, अति आवश्यक है. मेरे लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर मी. समझ में आ रहा ना सेंटेंस कैसे बना रहे हैं? चलो बोलेंगे खेलना अच्छा है, इट्स गुड फॉर मी. बोलेंगे अंग्रेजी बोलना आसान है, लाभदायक है, इट्स यूजफुल. क्या बोलेंगे? साइकिल चलाना थकानपूर्ण है, तो थकानपूर्ण को बोलते हैं टायरसम. क्या बोलेंगे? टायरसम. बोलो जरा क्या बोलेंगे? टायरसम. हिंदी में क्या हो जाएगा? थकानपूर्ण. तो बोलेंगे साइकिल चलाना थकानपूर्ण है, इट्स टायरसम. हाँ साइकिल चलाना ना, साइकिल चलाते हैं तो राइड करते हैं ना, दो चक्का के लिए क्या करते हैं? तो टू राइड अ बाइसिकल. जोड़ेंगे तो किसके साथ? टू के साथ. जब बोलेंगे कि बाइक चलाना थकानपूर्ण है तो क्या बोलेंगे? इट्स टायरसम टू राइड अ बाइक. ठेला चलाना थकानपूर्ण है, इट्स टायरसम टू. ठेला को खींचते हैं ना, क्या करेंगे? पुल. चलाते हैं ना तो खींचने का सेंस हो जाता है ना वहां पे, तो टू पुल ठेला.
ठेला को काट बोलते हैं। तो ये सर जो सेंस बनता है घूमता दो चक्के वाला बनता है, तीन चक्का लेकिन दोनों इवला खींचने वाला सेंस भी तो है। खींच ठेला में क्या करते हैं, किसी को बैठा के ये सामान रखे ना खींचते है, इंसान को बैठा खींचे तो रिक्शा, सामान को खींचे तो ठेला, वही तो है। अंतर कहा है दोनों में, एक में सामान रखते हैं, एक में इंसान रखते हैं ना, एक क्या चीज है ना। अब कहे ना सब ठेले पर सामान रखते हैं, रिक्शे पर सामान रखते हैं, लेकिन मना है रिक्शा किसके लिए है। अब तुम कोई यूज करो, अब ये बोर्ड पे लिखने के लिए बना, अब हम दिवाले पर लिखेंगे, यूज क्या है इसका, फर्स्ट प्राइमरी यूज क्या है, सेकेंडरी गालों पर लिख देंगे किसी के। अब मान लो कोई किसको जाना है ब्याह में, लिपस्टिक नहीं मिल रहा है तो जाएगा लिपस्टिक खोजने के लिए, कि मार्करे खोजेगा लालका वाला, का मार्का कहीं से लाल कर दे चला ना जानत करता, कहीं से लाल कर लगा चल जाएगा, तब उसका प्राइमरी लिपस्टिक है ये सर, पढ़ाने वाला चीज है, वो तो अपना जरूरत पड़ेगा नहीं है तो अपना लोग को पता चलेगा ब्याह में लिपस्टिक है ललका कलर से रंग दिल के, या ठीक है ना, चलो नहीं मिले तो सब यूजो कर लेगी, नहीं मिला तो लाइए यूज कर लेता है, आ जाओ। अच्छा बोलेंगे लाभदायक है तो क्या बोलेंगे, इट्स यूजफुल, क्या बोलेंगे, हाँ टालना तो क्या बोलेंगे, टू वॉक, टू वॉक, सुबह में तो क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग, कुछ नहीं पीछे वाला चीज सबको जोड़ रहा है, सुबह में नहीं पढ़ा है, इन द मॉर्निंग, देखो क्या किए, पहले बनाना लाभदायक है, पहले क्या बनाएगा, एक नंबर में इसका क्या बनेगा, इट्स यूजफुल, फिर बनाना टहलना तो दो नंबर इसका जुड़ेगा, तो किससे, टू से, फिर बनाना सुबह में तो किसका, तीनों को एक साथ बोल दो ना, इट्स यूजफुल टू वॉक इन द मॉर्निंग, यही तो करना, एक साथ बोल रहा, एक साथ जब तो बोलेगा नहीं प्रैक्टिस में नहीं आएगा, तो बैठ के बोलेगा टर्निंग करने के लिए, आ जाता तो चुपचाप 10-15 मिनट टर्निंग करो, वहां करेगा तो अपने बोलने आ जाएगा तुमको, तो कोशिश करेगा तभी तो, बिना कोशिश थोड़ा छाप के तो दही देंगे तुमको, चलो छाप तो दिए, छाप लो फोटो खींच लेगा, आएगा नहीं याद रखना, आएगा तो तुम कोशिश करो, एक के लाइन, दो लाइन, चार बार, पांच बार इस टाइप का सेंटेंस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो ग्रुप में बोलते ना क्लास वाइज प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं करो कुछ कुछ पूछता नहीं, नहीं क्लास वाइज करो, पहले जितना पढ़ा उतना तो आना चाहिए, उतना आ गया उसके बाद जो करो, लेकिन पहले जितना पढ़ा है ना उतना आना चाहिए, उसके अलावा नहीं आएगा तो चलेगा, काफी है। आ जा तो बोलेंगे आपसे मिलना अति आवश्यक है, तो पहले बताओ पहले किसका बनाएंगे, पहले बनाएंगे सर आवश्यक है, फिर किसका बनाएंगे, मतलब अति आवश्यक एक चीज था, फिर बनाएंगे मिलना, और फिर बनाएंगे आपसे, होगा तो बोलेंगे अति आवश्यक है तो क्या बोलेंगे, इट्स अर्जेंट, मिलना टू मीट, आपसे यू, उसके बाद टू आता नहीं है, टू मीट यू, आपसे मिलना तो टू मीट यू, बोलेंगे आपसे मिलना अति आवश्यक है तो क्या बोलेंगे, इट्स अर्जेंट टू मीट, अभी कोई कॉल करेगा मान लो इंग्लिश पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, फोन करे सर इट्स अर्जेंट टू मीट यू, आपसे मिलना अति आवश्यक है, टाइम वगैरह पूछना है, कल से पढ़ने के लिए आएंगे, ऐसे नहीं बोलेगा, ठीक है। जैसे बोलेंगे पंखे के नीचे बैठना आरामदायक है, तो आरामदायक है क्या होता है, आरामदायक का बोल जरा, इट्स कंफर्टेबल, कंफर्टेबल है, जब ये देखो अगर है बोल रहा है तो इट इज के साथ बोलो, है नहीं बोल रहा है तो इट इज को छोड़ के बोलो, ये ना कॉन्सेप्ट निकल रहा है, छील के निकालेंगे तो चलो, तो बोलेंगे पंखे के नीचे बैठा क्या है, आरामदायक है, तो पहले आरामदायक है फिर बैठना और फिर पंखे के नीचे, है ना, तीन गो वर्ड हो गया, नहीं हो गया जी, तो बोलो इट्स कंफर्टेबल टू सीट अंडर द फैन, जब पंखा के नीचे तो पंखे के नीचे अंडर द फैन करते हैं, क्या करेंगे, जब किसी के नीचे रहता अंदर यूज करते हैं ना, ठीक, तो इस समझ में आ गया ना, और कुछ भोका वो सब है देखते हैं, जैसे खुला कैस, खुला का बता दो, खुला का सेंस, जैसे बोलेंगे खुला भोजन होता है कि नहीं, मतलब झांप के नहीं रख ले है, तो उसको बोलेंगे एक्सपोज्ड फूड, क्या बोलेंगे, कभी खुला आंख रहता है, जैसे नहीं सूरज को देखने के लिए बोलते हैं, चंद्रग्रहण के समय बोलते हैं ना, तो बोलेंगे उसका नेक्ड आई, क्या बोलेंगे, नेक्ड आई, खुली आंखों से, जैसे बोलेंगे बेयर फुटेड, खुले पांव, बिना चप्पल पहन ले चला ना, तो उसको बोलते हैं बेयर फुटेड, क्या बोलेंगे, तो बोल जरा खुला भोजन क्या बोलेंगे, एक्सपोज फूड, खुली आंख से क्या बोलेंगे, नेक्ड आई, खुले पांव क्या बोलेंगे, बेयर फुटेड, खुले बदन क्या बोलेंगे, बेयर बॉडी, अच्छा से का बाय का यूज करते हैं, क्या बोलेंगे, जब बोलेंगे खुली आंखों से तो क्या बोलेंगे, बाय नेक्ड आई, क्या बोलेंगे, हाँ जब बोलेंगे खुली आंखों से मत देखो तो डोंट लुक, बाय नेक्ड आई, अच्छा तो जूता चप्पल का बात कर लेते हैं, चप्पले जूता है लगभग यहां तक, आ जाओ तो जूता को क्या बोलते हैं, सूज, ई तो सर पता है, और जूते का फीता को क्या बोलते हैं, टाइलेस, सूलेस, सूलेस, अच्छा और मोजा को क्या बोलते हैं, सॉक, चलो उताता ही होगा, एक और जूता आता है जिसको बोलते हैं बूट, कहीं बरका नहीं रहता है पांव में, बरका मिलता भी है, थोड़ा सा बरका रहता है, इसे नॉर्मल जूता हो गया ना, ऐसे बड़ा रहता है उसको बूट बोलते हैं, बरका जूता समझो ना, आता था ऊपर तक रहता है खिंचल, इसको बूट बोलते हैं, इसलिए बड़ा लिख दिया, समझ जाएगा ना,
ब्रैकेट में सेंस दे दिए ताकि देखते समय अच्छा बड़का जूता का बात हो रहा है, याद रहेगा ना, ठीक है। चप्पल भी तो होता है, देखो चप्पल में वैरायटी है, स्लीपर भी चप्पल है, फ्लिप फ्लॉप भी चप्पल है, सैंडल भी चप्पल है, पेडेंट भी चप्पल है, तो सर चार तरह का चप्पल हो गया, लेकिन एक चप्पल से काम चल जाएगा हमको, एक चप्पल रुको ना, एक चप्पल दीजिए हमको काम हो जाएगा, चार चप्पल देने का जो है नहीं बोलते मारेंगे चार चप्पल, यही चार को चप्पल है देखो मारेंगे चार चप्पल दिमाग ठंडा कर देंगे, नहीं बोलते हैं यही तो चार को चप्पल है, या देखो चार को तो लिखे हम, देखो स्लीपर का मतलब भी चप्पल, फ्लिप फ्लॉप का मतलब भी चप्पल, सैंडल का मतलब भी चप्पल, पेडेंट का मतलब भी, अब तुम देखो तुमको क्या चप्पल चाहिए, आगे समझ ना। अब देखो सर स्लीपर में कैसा चप्पल, नॉर्मल चप्पल हम लोग घर में पहन के घूमते रहते हैं, हवाई चप्पल नहीं बोलते हैं, स्लीपर बोलते हैं उसको, बोलते भी हम लोग जा रहे हो स्लीपर खरीदने के लिए, नहीं बोलते हैं, अब पता चल गया ना। चलो दूसरा हो गया तुमको फ्लिप फ्लॉप, ये अंगूठा निकलने रहता है एक तरफ से चप्पल में, अंगूठा एक तरफ निकल रहता है उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। चप्पलों में वैरायटी है भाई, लेकिन कहेगा सर एक चप्पल थोड़ा मन ठंडा हो जाता है, कोई वैरायटी ना चाहिए हमको, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप अंगूठा से बाहर निकला था इसलिए अंगूठा लिख दिया, समझा गया ना। एक और होता है सैंडल, जिसे बांधने वाला नहीं रहता है, मांगते हैं चपाट साट देते हैं साटने वाला, वही साटने वाला को बोलते हैं सैंडल। अब बुझाया, उसके बाद हो गया तुमको पीटर खराम लकड़ी वाला चप्पल, पंडित जी चप्पल जो गांधी जी वाला चप्पल, समझा गया ना, खर खर करता था, टर टर करता है चप्पल चलेगा। हाँ हाँ, अब ये कोई लोग पहनते होंगे कम है। अच्छा ये चप्पल जूता सबका जो दुकान होगा ये सबको एक साथ बोलना चाहेगा तो क्या बोलेंगे, चप्पल जूता सब मिला उसको बोला फुटवेयर, नहीं चप्पल जूता खरीदना रहता तो कहते फुटवेयर का दुकान कहाँ पर है, नहीं बोलता चप्पल, अब ये चौक पर जाएगा तो कहेगा चप्पल जूता का दुकान दिखाई ना किधर है, चप्पल खरीदना हमको, तो तुम बोलता है चप्पल का दुकान, चप्पल जूता ऐसे बोल देते हैं ना, उसी को फुटवेयर कहा जाता है, चप्पल जूता सैंडल सब मिल जाएगा, ये सब मिलेगा कहाँ था फुटवेयर के शॉप में, समझ में ना, कहाँ मिलेगा, तो वही चप्पल जूता सब ही शॉप लगा देंगे फुटवेयर शॉप हो जाएगा ना दुकान। आ जाओ नेक्ट आई वायर, जैसे खुला का क्या होता है, नेक्ट मीन्स खुला होता है, तो बोलेंगे खुला तार, तार नहीं रहेगा अभी करंट रहेगा तो उसको नेक्ड वायर बोलेंगे, तो किसी को बोलेंगे खुला तार छुओ, छुओ बोलेंगे टच नेक्ड वायर, आते छूट जाएगा छूने का, हाँ तो उसको बोलना नहीं पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से कि मत छुओ, बिना बोले नहीं छूले रहेगा, तो बोलेंगे खुला तार मत छुओ, तो क्या बोलेंगे डोंट टच, कहाँ लिख दिए डोंट टच नेक्ड वायर, खुला तार मत छुओ। एक होता है कि खुले पांव मत खेलो, नहीं बोलते हम लोग, खुला पांव का क्या होता है बेयर फुटेड, तो बोलेंगे डोंट प्ले, क्या बोलेंगे बेयर फुटेड, बोल जाएगा ना, खुला भोजन मत खाओ तो क्या बोलेंगे डोंट ईट एक्सपोज्ड फूड, ना बनाने के सेंटेंस सब, अगर वोकैब तुमको थोड़ा सा मिल गया है तो तुम डोंट लगा के तो सेंटेंस बना सकता है, बनाने आ जाएगा ना। क्वेश्चन से पहले बोले ये छापेगा, पहले छापो लिखो, क्वेश्चन लिखो आसान है, उतना आसान नहीं है, तुम्हारे लिए आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी फॉर यू। खुला तार मत छुओ, वेट करो, खुला तार मत छुओ, डोंट टच नेक्ड वायर, खुला भोजन मत खाओ, डोंट ईट एक्सपोज्ड फूड, उसके बाद मेरे लिए अंग्रेजी बोलना आसान है, इट्स इजी फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश, मेरे लिए अंग्रेजी बोलना आसान है, नेक्स्ट गरीबों को मत सताओ, गरीबों को मत सताओ, सताना का ऑपरेशन होता है, डोंट ऑपरेस द पुअर,
द पुअर का मतलब गरीब लोग, गरीबों को मत सताओ। तुम्हारे लिए छक्का मारना आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी फॉर यू टू हिट सिक्स। मारना के लिए हिट करते हैं, क्या करते हैं? हिट। मारना का बीट भी होता है, मारना का किल भी होता है। या छक्का मारना का हो गया ना, छक्का मारते मतलब क्या करते हैं? बैट से हिट ना करते हैं, हाँ हिट। तुम्हारे लिए छक्का मारना आसान है, इट्स नॉट इजी फॉर यू टू हिट सिक्स। नेक्स्ट, छक्का मारना आसान है, इट्स इजी टू हिट सिक्स। नेक्स्ट, अच्छा है, इट्स गुड। तुम्हारे लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू। सुबह में उठना कष्टदायक है, इट्स कष्टदायक क्या हो जाएगा? पेनफुल, दर्दनाक है, दर्दनाक होता है, डिफिकल्ट कर देना, इट्स पेनफुल। तो गेट अप इन द मॉर्निंग, दर्दनाक रहेगा तो पेनफुल, पेनफुल का मतलब दर्दनाक, और कष्टदायक है ना, डिफिकल्ट कर देना, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल ही ना है, कष्ट मुश्किल के बात ना है। आगे, आपसे मिलना अति आवश्यक है, इट्स अर्जेंट टू मीट यू। आपसे मिलना अति आवश्यक है, तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग बोलते हैं चुनौतीपूर्ण को, चैलेंजिंग। चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण है, इट्स चैलेंजिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण है। नेक्स्ट, भारी है, इसका भारी का हेवी, एच ई ए वी वाई, हेवी का मतलब भारी। हाँ, उसके बाद सुबह में दौड़ना लाभदायक होता है, होता है या है, एक ही बात बन जाएगा ना। हाँ, सुबह में दौड़ना लाभदायक होता है, उसके बाद सोना लाभदायक होता है, सोना स्लीप, यूजफुल का मतलब लाभदायक, इट्स यूजफुल टू स्लीप, सोना लाभदायक होता है। तुमसे बात करना बेवकूफी है, सर अब रहने दीजिए, सर अब रहने, सर नाउ लेट इट बी, लेट इट बी पता है ना, सर नाउ लेट इट बी, अब रहने दीजिए। कितना हुआ? काफी है।